हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल की दुल्हन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तुअर दाल और इसको मैंने भिगा के रख लिया है 15 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे 1.25 किलो का दाल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्ची कैरी, जो कि एक बड़ा कच्ची कैरी है जो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। तो इसमें हम कैरी डालकर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इस तरह से तुअर दाल को कुकर में डाल दिया है और गैस पे मैं इसको रख लूंगी। मैं यहाँ पे गैस को ऑन कर दूंगी स्टोव को। अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 में डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च और जो कैरी कटी हुई कैरी है उसको भी हम इसमें से डाल देंगे इस तरह से। तो दाल को हम इस तरह से बनाएंगे कि वो खट्टी भी रहे और थोड़ी चटपटी भी रहे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी। आपने कभी ना कभी तो बचपन में इसको खाया ही होगा, बहुत ही फेमस ये डिश है। अलग अलग हिसाब से ये बनता है। तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 स्पून तेल। दाल इसे जल्दी गलती है क्योंकि हमने कैरी डाला हुआ है और कैरी बहुत खट्टी है, तो दाल थोड़ा सा गलने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं इसमें इस तरह से डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन को इस तरह से कुचल लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप लहसुन स्किप कर दें और बघार में डाल लें, लेकिन अगर आप डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपके दाल के दुल्हन में। तो इस तरह से मैं इसको मिला दूंगी। तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हो रही है दाल की, दुल्हन अभी बाकी है तो दुल्हन को हम सजाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो पहले हम दाल को इस तरह से चढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे ढक्कन लगा के दाल को गलने देंगे 4 सीटी तक। तो जब तक हमारे दाल गल रही है हम कर लेते हैं दुल्हन की तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि अब इसको हम दाल में डाल के पकाएंगे इसलिए हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक ले लिया है ताकि जो हम इसमें बनाएंगे जो शेप बनाएंगे तो वो बिल्कुल फीका ना रहे, इसलिए मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, यानी कि 1 बड़ा चम्मच हम डाल रहे हैं तेल। तेल इसलिए डाल रहे हैं जो सॉफ्टनेस होती है और अच्छे से पकता है, तो इसलिए हम इसमें तेल डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से डो की तरह, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं वैसे हम इसको नरम रोटी की तरह इसका डो बना लेंगे हल्का हल्का। पानी डालते हुए इसको हम गूंधेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट भी करें। फेमस डिश है ये। तो छोटे बच्चे बड़े सब बहुत ही पसंद से खाते हैं ये। नॉर्थ साइड में इसको बोलते हैं दल पिट्ठा, जो मेरे ननिहाल में बहुत ज्यादा फेमस है। जब हम छोटे थे तो पसंद से ये बैठ के बनाते थे। कोई कढ़ाई बनाता था तो कोई करछा बनाता था, कोई चम्मच बनाता था। तो इस तरह से हम आटे को रोटी के आटे की तरह अच्छे से गूंद लेंगे। तो इस तरह से हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे रोटी के आटे की तरह। तो अब हम यहां पर लेंगे इस तरह का डो, यानी कि हम इसको एक बड़ी रोटी के शेप में बेलेंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसका बड़ा सा लुइया बनाएं।
इनकी पेड़ा। अब हम इसको बेलेंगे एक रोटी के शेप में। ध्यान रखें जो रोटी है वो ज्यादा पतली ना हो। तो इस तरह मैंने एक बड़ी रोटी के शेप में मैंने बेल लिया है। अब मैं लूंगी एक ग्लास इस तरह का जो इजीली कटे, और इसको मैं अब यहाँ पे इस तरह से काटूंगी। फ्रेंड्स ये यहाँ पे आप अच्छे से आप सीखें कि आपको जो किस तरह का शेप देना है आपके दुल्हन को, यानी कि आटे को। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे और एक अच्छे से शेप देंगे इसको फ्लावर का। मैंने यहाँ पे आटे को इस तरह से ग्लास के हेल्प से कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे, तो यह हमारा जो दुल्हन है वो रेडी हो गई है। आप अपने पसंद से कोई भी शेप दे लें इसको। तो इस तरह से मैंने फ्लावर का शेप देते हुए इसको बना लेना है। मैं आटे का पूरा ऐसे ही बनाऊंगी इस तरह से, और इसको एक प्लेट में हम टर्न कर लेंगे, रख लेंगे। ज्यादा आप मोटा ना बनाए वरना जो आटा है वो गलेगा नहीं दाल में। आपको थोड़ा पतला ही बेलना है। देख लीजिए कि मैंने इतना पतला इसको बेला था। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये खुले नहीं दाल में, और सारे हम इस तरह से ही बेल के कट करके इसको शेप देंगे। इसको ये आटा आपका वेस्ट नहीं होगा। आप फिर से इसको गूंद के रोटी की तरह लुइया बना लें। बहुत ही टेस्टी बनता है ये दाल की दुल्हन। आप जरूर अपने घर में ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे कि कैसा बना था। बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो मैं इस तरह के शेप में मैं सारे बना के रख लूंगी। तो जो दाल है वो अच्छे से गल गई है। अब इसको हम मैशर की मदद से, यानी कि घोटनी की मदद से, हम इसको अच्छे से घोट के मैश कर लेंगे। देखिए दाल कितनी अच्छे से गल गई है। आप भी इसी तरह से अच्छे से दाल को मैश कर लें। आपको दाल ने बहुत अच्छी तरह से गलाना है ताकि जो कैरी है, लहसुन है, मिर्ची है वो अच्छे से इसमें गल जाए, और उसी को हम अच्छे से मैश करेंगे दाल को, ताकि दाल हमारी खड़ी ना रहे। और इसको हमने यहाँ पे इस तरह का भगोना ले लिया है। अब मैं जो दाल मैश किया हुआ दाल है वो इस भगोने में डाल दूंगी। तो अब हम इस भगोने में जो दाल है, मैश की हुई दाल है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे ताकि जो आटा है अब इसमें हम डाल के पकाने वाले हैं वो पके। तो अब इस तरह से हम इसमें दाल डालेंगे। गैस को हम ऑन कर लेते हैं। तो इसमें हम 7 से 8 ग्लास हम पानी डाल रहे हैं। थोड़ी सी पतली रहेगी हमारी ये दाल, ज्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि आटा डालने के बाद दाल ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी आपकी जैसे ही पकेगा। तो इस तरह से हम 7 से 8 ग्लास पानी डाल रहे हैं। बस अब यही कंसिस्टेंसी रहेगी। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च हम डाल रहे हैं यहाँ पे 3 चम्मच, क्योंकि ये थोड़ा सा चटपटा रहेगा।
दाल हमारी, इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच मैंने मिर्च डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से इस तरह से मिलाऊंगी और दाल को हम पकने देंगे। इसको हम 2 बॉईल तक इसको पकाएंगे, उसके बाद हम जो आटा है वो हम इसमें डालेंगे। तो इसको हम इस तरह से ढक के 2 बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पे दाल में बॉईल आ चुका है और दाल अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे आटा जो मैंने इस तरह से बना लिया है। तो मैं इस तरह से हल्के से हल्का हल्का एक एक करके आप इसमें डालें। अब ये दाल के साथ पकेगा और जितने मसाले मैंने दाल में डाले हैं वो सब आटे में टेस्ट उसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से फूल जाए, अच्छे से पक जाए। यहाँ पे हम इस तरह से दाल में डाल देंगे सारे आटे को। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेंगे नमक मिर्च और खट्टा बराबर है या नहीं। तो बराबर है, आप टेस्ट देख लें, थोड़ा चटपटा रहेगा ये। यहाँ पे 1 बॉईल आने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो आटा है वो कच्चा ना रहे। और इसको हम इस तरह से हाफ हम इस तरह से ढकेंगे ताकि दाल उबले नहीं। तो इस तरह से 1 बॉईल आने के बाद इसको हम मिलाएंगे और इसको स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे जब तक आटा अच्छे से पक ना जाए। मिनट हो चुके हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं हमारी जो दाल की दुल्हन है वो पक चुकी है। अब बस लास्टली इसमें हम तड़का करेंगे। देखिए पूरा जो आटा है वो इस तरह से ऊपर दिखने लगेगा जो कि पहले नहीं दिख रहा था। तो जब ये पक जाएगा तो इस तरह से जो भी ये आटा है ये ऊपर की तरफ इस तरह से तैरने लगेगा और दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी भी हो जाएगी, क्योंकि हम इसको इसी के साथ खाएंगे और दाल को पिएंगे। तो आप मिर्च देखकर डालें, उतना ही डालें जितना आप स्पाइसी खा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती, इसको हम बस 2 बार इस तरह से मिलाएंगे। तो दाल को धीमे पे ही रखें। तो जो दाल है वो पक रही है, तब तक हम कर लेते तैयारी तड़के की, क्योंकि बघार करेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, इसको गर्म होने देंगे। तो तेल है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 4 लहसुन। इस तरह से मैंने कुचल लिया था, इसे मैं डाल दूंगी 4 लहसुन और छोटा आधा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ मैं। तो जैसे आप दाल बघारते हैं उसी तरह से बघार, अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। मैं तेल डाल रही हूँ, फिर आधा चम्मच में डालूंगी राई और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। डालेंगे इसमें 2 सूखी मिर्च, नहीं ब्राउन होने देंगे। प्याज को हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 कड़ी पत्ते का, 2 स्टेम्स होते हैं, तो यहाँ
यहाँ पे हम जो तड़का है वो इस तरह से डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो दाल की दुल्हन है वो बनके रेडी हो गई है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करें, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने मेहमानों को खिलाएं, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।